तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो इसमें देखते हैं कि हम लोगों ने अपने बर्ड में क्या न्यू किया भाई, क्योंकि अभी बहुत सारे काम बाकी है। कि यहाँ पे बहुत सारे जो कि पेड़ वेड़ लगाने थे, मैंने प्रॉपर वो काम नहीं किया, थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं, जो कि आसपास का थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनको सबको सीक्वल में लगाने का है, और बाकी को जो भी पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हम लोगों ने आसमान पे घर बनाया है, उसमें भी थोड़ी अभी अभी बहुत सारा काम बाकी है। और उसमें और बहुत बहुमंजिली में इमारत बना रहा हूँ, बट उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। बट कोई बात नहीं, प्रॉब्लम का सामना तो हम लोगों को ही करना है ना, तो इसलिए फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद को देखते हैं कि आगे क्या सीन है। और अभी यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी बड़ी झाड़ियाँ भी हो रखी हैं, तो इनको भी साफ़ सफाई करनी है भाई, और थोड़ा यहाँ पे भी डेकोरेशन करना है। और ये देखो भाई, पंपकिन मेरी रेडी हो रही है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ओ भाई, मैं खाने की कोशिश कर रहा था और दरवाज़ा खुल रहा था यार। कोई बात नहीं, अब इसको फटाफट से खाते हैं और निकलते हैं ऊपर की ओर और देखते हैं। ये भाई, मैंने दरवाज़ा लगाया यार, बंद करने को भूल जाता है हर बारी। कोई दिक्कत नहीं, अभी नया नया है तो थोड़ा भूल रहा है, फिर तो आदत पड़ जाएगी इसकी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद भी याद ही रहेगा यार कि क्या करना है अपने को। और फटाफट से चलते हैं ऊपर और देखते हैं थोड़ी आसपास का भी थोड़ा वातावरण मेरा कैसे चल रहा है, और क्या सीन, कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रखा है, ये भी देखना पड़ेगा भाई। ये पौधा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो रखा है, तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या है। और इसको हटाने के बाद वापस से चलते हैं दूसरी साइड पर और इसको भी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ भाई। हाँ, अभी अभी ठीक लग रहा है प्रॉपर, क्योंकि थोड़ी सी अभी नहीं, जो भी लोकेशन थी उसको यार ज़्यादा ही कैप्चर कर रहा था ये। और ये लकड़ी भी मैं अपनी ये रेलिंग लगा देता हूँ हर जगह पे, और ये प्रॉपर लग चुकी है। और अभी इधर थोड़ी सी बाकी है, तो इधर भी जल्दी जल्दी लगा देते हैं और दूसरी साइड पर चलते हैं वापस से। और ये सामने छोड़ दूँ क्या? हाँ, अभी छोड़ देता हूँ, उसको देखा जाएगा कि बाद में क्या है। और इसका भी थोड़ा सा कर देता हूँ, ये सामने जस्ट एकदम से सीधा ही पीस को छोड़ना है, तो हाँ ये ठीक है। ओके, तो इसको उसको फटाफट से लगा देते हैं और उसके बाद। और यहाँ पे वाटरफॉल जो मैंने बनाया है, झरना इतना बड़ा, तो इसका भी थोड़ा सा इंतज़ाम करना पड़ेगा, इसको भी प्रॉपर इसी के हिसाब से लगाना है। तो शायद हाँ, साइड से अभी मेरे को ऊपर साइड जाना पड़ेगा, ऊपर साइड से दूसरी साइड पे लगाना है, बट वहाँ पे थोड़ी सी भी मिट्टी की कमी है, डर्ट मैंने वहाँ पे कम लगाई हुई है, तो उसको भी लगाना पड़ेगा अभी। और देखते हैं, ऊपर चलते हैं, ऊपर से क्या बनता है सीन। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, बट जितना बना हुआ है उसको पहले क्लियर करते हैं। और यहाँ पे भी लगा देते फटाफट से और इसको क्लियर करते हैं। ये पूरा पैक हो चुका, और ऊपर भी आ जा तू भी भाई। ये ख़त्म हो गया क्या भाई? ओ भाई, ये तो ख़त्म हो गया, वापस से बनाना चलना पड़ेगा यार मेरे को। कोई दिक्कत नहीं है, वापस से चलते हैं नीचे और वापस से क्राफ्ट करते हैं और फिर से आते हैं और फिर से यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि एक साथ एक काम पूरा होता रहे ना तो ज़्यादा सही है। वो भाई लगी मेरे को, अच्छा मतलब ये अगर मैं बाई चांस इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ, वहाँ से गिरूँगा तो मेरे लगेगी, इतना ध्यान में रखना पड़ेगा मेरे को। ओके, और फटाफट से चलते हैं अपनी जगह पे और अपनी टेबल पे चलते हैं भाई, क्राफ्ट करते हैं थोड़ी सी। ओके, इसको ऐसे ऐसे लगाना है और बीच में स्टिक्स लगा देनी है। ओके, अभी समझ गया, तो स्टिक्स मैं पूरी की पूरी रख देता हूँ शायद, मतलब जितना भी अपने को बनाने को होगा तो ज़्यादा सही रहेगा भाई, ज़्यादा तो अपने पास ये है नहीं। ओके, एक एक करके रखना पड़ेगा मेरे को। ओके, रखते हैं फटाफट से और वापस बना लेते हैं अपना ये बाउंड्री वाला जो भी है, तो इसको बनाते हैं वापस से और वापस से बनाते हैं इसको पूरा का पूरा। ये ओके फ्रेम्स इसको मैं रख लेता हूँ, बाकी बची हुई लकड़ियाँ मैं वापस रख लेता हूँ, क्योंकि अभी आगे काम में आने वाली हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज है, तो वापस से रख लेता हूँ। यूज नहीं भी रहेगा तो क्या यार, मैंने क्राफ्ट की है तो फेंक थोड़ी दूंगा यार। ओके, अभी चलते हैं फटाफट से दूसरी साइड पे और उसको पहले तो यार एक बराबर से मैं क्लियर कर देता हूँ, जिससे वो प्रॉपर लगा रहे तो ज़्यादा सही लगेगा। और ऊपर चलते हैं फटाफट से और पूरा यहाँ पे मैंने एक बारी मैंने इसको क्लियर कर देना यार, क्योंकि बार बारी में प्रॉब्लम हो जाता है। ये देखो भाई, यहाँ पे थोड़ी सी भी दिक्कत समझ में आ रही है, इसको थोड़ा सा भी नीचे डर्ट लगाना पड़ेगा।
ओ भाई मैं नीचे के चला गया यार। ओ भाई दिक्कत हो गया यार, बाहर निकलना पड़ेगा अभी फटाफट से, चलते फिर से। और जाते टाइम ही डर्ट लगा दूं क्या भाई? हाँ जाते ही टाइम लगाऊं तभी ज़्यादा सही रहेगा। और बट यहाँ से समझ में थोड़ी आएगा भाई कि नीचे वाले में लगाना ऊपर वाले में, भाई ऊपर वाले में लग गया। कोई बात नहीं, अभी इसको भी ठीक कर देते हैं। अभी एक साइड पे लग चुका है तो अभी बनाने में आसानी हो सकती है। ओके ये बना और इसको भी मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। ओके तू भी लग जा। हाँ भाई ये अभी ठीक हो गया। और इधर भी इस साइड पे भी थोड़ी सी लगानी है तो इसको। ओ भाई ये पैक हो गया, ये ठीक है अभी। और दूसरी साइड पे भी मोमबत्ती भी लगानी है तो उसको भी लगा देते हैं। और ये पैक हो चुका है। और इधर भी थोड़ी सी लगाना है तो इधर भी लगा देता हूँ। और आजा भाई तू भी आजा, फटाफट से लग जा यार। हाँ ये ठीक हो गया। और अभी यहाँ पे एक पॉइंट पे और ऊपर साइड भी लगाना है। हाँ ये अभी ठीक है। वाटर अपना वाटरफॉल जो है तो एकदम सेफ हो चुका है। और इधर भी लगा देता हूँ क्योंकि अटैक वटैक अगर हुआ ना तो इसमें तो थोड़ी सी राहत तो मिलेगी भाई, कि कोई अगर बंदा आता भी है तो इसके ज़्यादा क्लोज पे नहीं आ पाएगा तो मेरा बच जाएगा जो भी सीन है। तो ओके इसको क्लियर कर देता हूँ। वे डर्ट भी अपने पास कम ही है तो जितना है तो इसको लगा देता हूँ। और जितना भी है तो जिसे ग्रीन भी होता रहे और अपना काम भी फटाफट से चलता रहे तो इसको लगा देता हूँ मैं। और ये क्लियर कर देता हूँ। और इसके ये पौधे के पास भी कुछ लगा देता हूँ भाई। ये पौधा ही नहीं बड़ा हो रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको। शायद ये नहीं बड़ा होगा। वो भाई पानी के अंदर गया भाई, कोई तो है पानी के अंदर भाई। अभी मेरे को डर्ट लेनी है और यहाँ से निकल लेना है फटाफट से, क्योंकि कोई तो पीछे था भाई। और मैं भाई रिस्क नहीं ले सकता कि उसको देखने लग जाऊं कि कौन है भाई, कहाँ से आया भाई। नाइट का भी टाइम हो चला तो अभी सोते हैं और फटाफट से दूसरे दिन वाला भी काम अभी कंप्लीट करना है। तो अभी मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। और भाई मेरे को थोड़ी सी सैंड मिल चुकी है, मैं इसको क्राफ्ट कर लेता हूँ फटाफट से, क्योंकि सैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है भाई। इसका मैं कांच बनाऊंगा भाई, ये क्योंकि अगर ऐसे ही सिंपली लगाऊंगा तो ये ज़्यादा काम नहीं करने वाला, इसलिए मैं इसको पका के एकदम कांच बना दूंगा भाई। ये अभी पौधे विकसित होने बाकी हैं। हो गया कोई बात नहीं, धीरे धीरे विकसित होते रहेंगे। और ये क्या भाई? अच्छा यहाँ पे नहीं लगाया था, अच्छा एक एक रास्ते छोड़ दिया था भाई, यही तो गड़बड़ है यार। मैं इसको वापस से बनाता हूँ। और भाई मेलन का तो सीड है। ओके ओके हाँ ये भी है। ओके यहाँ पे अभी फटाफट से लगा देता हूँ जिससे ये भी रेडी होता रहे तो एकदम पैक हो जाए चारों तरफ से और अपनी पूरी की पूरी ये फसल एकदम सेफ हो जाए। ओके और ये भाई ये तो दूसरी साइड ही घूम गया यार। कोई बात नहीं, इसको अभी क्राफ्ट कर लेता हूँ। दूसरी साइड पे मर जा भाई, ये दूसरी की प्रॉपर्टी पे आने का नहीं समझा क्या? चल भाई अभी पीछे भी थोड़ा सा यहाँ पे लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सामने की ओर जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे जितना भी है तो इसको पैक कर देता हूँ और फटाफट से यहाँ पे लगा देता हूँ। बट मेरे पास तो इतना दाना ही नहीं है भाई, सीड ही नहीं है। कोई बात नहीं, यहाँ पे पंपकिन ही लगा देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि पंपकिन ही तो इधर है तो पूरा का पूरा भाई ये एक लाइन से लग जाए तो ज़्यादा ही सही रहेगा। और पूरे पूरे रेडी हो जाए तो भाई और प्यारा लगने लगे। तो अभी चलते दूसरी साइड पे, अभी डर्ट निकाल लेता हूँ जिससे मेरा ऊपर जो भी अभी बनाने वाला हूँ तो उसको बनाने में आसानी हो। और ज़्यादा से ज़्यादा डर्ट रहेगी ना भाई, मेरे को जल्दी होने वाला है अपने काम को, अपना ही काम जल्दी हो जाएगा। तो अभी इसको फटाफट से निकाल लेता हूँ जितना भी हो सके। तो यहाँ पे सोच रहा हूँ कि एकदम एक केव बना दूँ जिससे मेरे को जितने भी ज़्यादा सामान की ज़रूरत हो तो पूरे के पूरे सामान मेरे को यहीं से मिल जाए, काहे को हर जगह से दूसरी जगह पे जाऊं। और ये पे थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई पे इससे ज़्यादा ही गहरा बनाऊंगा जिससे प्रॉपर रोशनी आती रहे तो दिन में भी ज़्यादा काम हो सके और मेरे को लाइट की भी ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा अभी इसको क्राफ्ट कर लेता हूँ थोड़ी सी। और ये मेरा क्राफ्ट हो गया प्रॉपर। आजा भाई कहाँ जा रहा है ये भाई? लालटेन मेरा रेडी हो चुका है। तो भाई ये थोड़ा सा बनाने में ही थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम होने वाला है क्योंकि मेरे पास आयरन नट्स नहीं है। तो अगर मेरे पास वो आयरन नट्स होंगे ना तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बना पाऊँगा। और पहले जितना भी था तो मैंने उसको यूज कर लिया भाई, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं कि और क्या सीन है अपना और इसको प्रॉपर कंप्लीट करते हैं। पहले तो यहाँ पे एक घर बनाने की सोच रहा था तो प्रॉपर एक घर बनाता हूँ पहले तो। ओके यहाँ पे दो डर्ट लगा दिया हूँ बट यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि अपने पास ज़्यादा डर्ट है तो है नहीं, तो इसलिए मेरे को भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। कोई बात नहीं, अभी जितना है तो यहाँ पे पहले तो मैं लेडर लगा देता हूँ तो वो ऊपर जाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी और ऊपर से अपने को डिज़ाइन बनाने में भी ज़्यादा सही रहेगा।
क्योंकि अगर मैंने नीचे से स्टार्ट किया ना तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास तो लेडर से नहीं है, ऊपर मैं आऊँगा कैसे भाई, मेरे को डायरेक्ट वापस से लगानी पड़ जाएगी। इसलिए जितने भी हैं तो उसी से काम चलाता हूँ, और ऊपर रह के और प्रॉपर जितना भी है तो उस हिसाब से काम करता हूँ, और फटाफट से फिर वापस नीचे जाके अभी लेडर भी अपने को क्राफ्ट करनी है और थोड़े कांच भी ला के लगाने हैं। तो ओके कोई बात नहीं, अभी इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, पहले तो चारों तरफ से इसको पैक कर देता हूँ, और भाई एक तरफ से इसको खाली रखना है जिससे मेरे को अप डाउन करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अभी नाइट का टाइम हो चुका है तो रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। और भाई ये क्या है स्टाइल, बेड तो दूसरी साइड ही निकल गया था भाई। कोई बात नहीं, अभी ये इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पे थोड़ी सी भी जो खाली जगह बाकी है तो इसको भी फिल कर देता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ से मैंने थोड़ी सी भी जगह खाली रखी ना तो मेरे कोई नीचे गिरने की ज़्यादा संभावना रहेगी भाई। ये सीन तो ज़्यादा ही खतरनाक हो रखा है। अभी मेरे को दूसरी साइड पर भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और इधर ऐसा है ना कि मैं एकदम से अगर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया ना तो एकदम नीचे ही चला जाऊँगा और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी इसको मैं क्राफ्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे जो भी जगह है तो इसको प्रॉपर एक जगह पे छोड़ता हूँ, क्योंकि वो भाई ये पैक ही हो गया भाई, उसी को बार बार मैं ध्यान भी रख रहा हूँ पर बट वही मेरे से गड़बड़ हो रहा है। और अभी लेडर भी नहीं है मेरे पास तो मैं ऊपर भी नहीं जा सकता हूँ, तो ऊपर से तो अभी काम करने का कोई मतलब है नहीं, इसीलिए नीचे से जितना भी है तो उसको पैक कर देता हूँ पहले। तो फिर उसके बाद अगले पार्ट में आप लोगों को दिखाएंगे कि इसके ऊपर मैंने कैसे पूरे के पूरे इमारत मैंने बनाए, और कम से कम इसके 4-5 माले तो ऊपर ले जाने हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा ऊपर रहेंगे ना तो ज़्यादा साइज पे अच्छा लगेगा। और मेरे पास अभी ग्रेवाल की भी कमी है तो इसको भी मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे ये ज़्यादा मात्रा में है, ऐसे लग रहा है कि पूरे के पूरे सेशन में वही वही है। कोई बात नहीं, अभी मैं इसको फटाफट से ले लेता हूँ, और नाइट होने से पहले यहाँ से निकलना भी है। तो भाई साहब मैंने बेड लिया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वापस से क्राफ्ट करते हैं। और जितना भी मटेरियल है इसको मैं एकदम से एक साइड पे लगा देता हूँ जिससे मेरे को ज़्यादा आसानी हो आने जाने के लिए। और यहाँ पे जितना भी एकदम सामान है तो पूरा रेडी हो चुका है, और यहाँ से भी थोड़ी सी डर्ट मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि डर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। और जितना भी बचेगा तो मैं वापस से अपनी टेबल पर रख लूँगा, क्योंकि अगर बाद में जिससे मेरा काम पड़े तो मैं आसानी से ले सकूं और मेरे को बार बार अपनी इस जगह पे आना ना पड़े, और ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि बार बार वहाँ पे आने में और फिर से वही चीज़ दोहराने में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं पहले से ही सारी की सारी चीज़ें रख लेता हूँ, और जिससे मेरा काम करने में भी एकदम फ्लो अच्छा बना रहेगा। तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ फटाफट से, और फिर निकलते हैं आगे की ओर। तो ये मेरा प्रॉपर एटलीस्ट तो भाई पानी निकल आया यार, जहाँ से मुझे उम्मीद नहीं थी वह भाई कि यहाँ पे पानी भी हो सकता है, बट नदी का किनारा है एकदम से तो वहाँ पानी आना तो तय था भाई। बट मैं ये सोच रहा था कि इसके नीचे मतलब जितने भी मटेरियल अपने को एक केप से मिलते हैं यहाँ से मिल जाएगा तो ज़्यादा आसानी रहेगा, बट यहाँ पे मेरे को ज़्यादा ही दिक्कत होने वाली है। यहाँ पे इतना ज़्यादा मटेरियल मेरे को शायद से मिलने वाला नहीं है, और जितना भी सामान होगा तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम में तो मेरे को ये ज़रूर डालेगा। बट कोई नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्व सामना तो करना ही पड़ेगा अपने को, और निकलते हैं यार पानी से, क्योंकि पानी के बुलबुले मेरे ख़त्म हो जाएंगे तो मेरी ही एनर्जी जाने वाली है, जो भी हेल्थ है। तो अभी भाई मेरे को भूख भी ज़्यादा लग रही है, तो मैं फटाफट से एकदम किनारे पे चल के पहले तो कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे की सोचता हूँ। कोई बात नहीं, आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे कि इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या किया, और मैंने कैसे अपने इस काई स्क्रैपर में घर बनाया, और वो भी कई मंजिले का। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें।